नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपमान को स्वागत करुची भाग्य भविष्य लाइव को। दर्शक बंधु, आपमान को प्रश्न, आपण मानक समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य। आपण मानक जो प्रश्न रहुची, समस्या रहुची, ताले स्क्रीन ने फ्लाश होतवा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान कहतु। दर्शक बंधु, जमती कि आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय बहुत उपर आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपण को कमी मिल पार कौन अच्छी आपको जतक युग केमती लाइफ पार्टनर आप चॉइस करेंगे केमती लाइफ पार्टनर आपको मिल पारे आपको जतक में कौन जुग अच्छे आप लव मैरिज करेंगे कि आरेंज मैरिज आप मैरेज लाइफ केते दीर्घायु रहिबो, केमती लाइफ पार्टनर आपको मिल पार केमती लुक्स रहिबो, केमती स्वभाव रहिबो तांकर, से सब जिनस को प्रश्न रहुची आपंकर जानिया पई इच्छा रहुची। बहुत समय मध्य कन्फ्यूज हो जाउचंती केबे आपंकर मैरेज हबो, मैरेज रे काहे कि विलंब रहुची, जहाँ भी आप प्रोसेस करचंती शेष मुहूर्त में भांगी जाउची, से सब जिनस को देखा आप जतक ही देखुंत। आप लग्न सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेभेन्थ हाउस, एइथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस विवाह पई विशेषकर देखो ये हाउस मानक शुभ प्रभाव रोचे, केते शुभ ग्रह प्रभाव रोचे, केते अशुभ ग्रह प्रभाव रोचे। जदि शुभ ग्रह प्रभाव रोचे तेल बहुत भल रहा मैरिज लाइफ, बहुत भल रहा मानसिक स्थिति, बहुत दीर्घायु रहा मैरिज लाइफ। स्वामी स्त्री बंडिंग बहुत भल रम बुझापणा आप उभय रखिपारे, किंतु पापग्रह प्रभाव जदि रोचे ये हाउस मानक किसी ना कि नेगेटिव रोक, किसी ना कि समस्या आपं सहित लग कि रोक मैरिज लाइफ में पारिवारिक अशांति क्रिएट हम आपंकर स्वभाव में किसी ना कि चेंजेस आपड़ ही निजे क्रिएट करेंगे। बहुत समय आकस्मिक भाव में किसी ना कि घटना दुर्घटना आपड़ शिकार होते जदि ये हाउस मानक पापग्रह प्रभाव रोचे अधिक शनि मंगल राहु केतु, जदि शुभग्रह बृहस्पति सात्विक ग्रह बृहस्पति अस्त रोचे तेल आप स्ट्रगल करेंगे मैरिज लाइफ नहीं, फिनान्शियल कंडीशन को लेकिन आप स्ट्रगल करेंगे मैरिज लाइफ में, किसी ना कि उतार चढ़ाव रही है, किसी ना कि समस्या आसीज आपण सहित। जड़े कलर जोड़ सहित कथा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कहतु क्या विषय जानवे? एक उन्नीस एकानबे क्या जो दौर एक मार्च उन्नीस एकानबे समय कहतु कौन जान चाहते पुंग विषय तार जीवन मैरेज हम कि ठीक अच्छे आज्ञा। आप जहाँ भी प्रश्न रोच आप अधिका चिंता करवाह के समय मध्य जानकु चाहते आप लग्न रोच मकर लग्न, मकर लग्न पृथ्वीपुत लग्न एवं शनि लग्न विलंबर काराग्रह डिलेर काराग्रह शनि आप लग्न को ओन करुँ लग्न पोजिशन रोच राहु सहित कंजक्शन अच्छी शनि राहुर कंजक्शन अदिका विलंब कर प्रत्येक कार्य आपको विशेषकर बहुत बहार जहाँ भी प्रोसेस कर ठीक भाव आग को बढ़ी पार ना आप प्रोसेस ठीक भाव में प्रस्ताव आप आसी पार ना मैरेज पर सेभेन्थ हाउस को देखा देखा जाए सेभेन्थ हाउस लॉर्ड चंद्र फिफ्थ हाउस उच्च अच्छी बहुत भल लाइफ पार्टनर आपपारे चंद्र उच्च अच्छी मंगल सहित कंजक्शन कर चंद्र मांगल्य जोग आप जतक क्रिएट होवाह बहुत उन्नति आपे कि मैरेज पर किसी ना कि विलंब रोचे कहीं बृहस्पति से शनि बर्तमान चली जेहेतु शरीर अंतर्दशा चली विलंब हो आग को विवाह बहुत भल समय आसो आप तेईस अगस्ट पर कोड़े अगस्त दुई हजार तेईस परवाह हो पार कि वर्तमान समय जहाँ भी आप प्रोसेस करने को चाहते प्रोसेस हो पार ना आपंकर कहीं शनि प्रभाव रोचे सेभेन्थ हाउस बृहस्पति सेभेन्थ हाउस उच्च अच्छी किंतु बकरी अच्छी से अहेतुक विलंब हो मैरेज से वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा आपण करंतु। चंडी पूजा रे विशेष करी पत्नी मनर माम देही मनोवृत्त अनुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसारम सागर से कुलोद्भवाम ये मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करंतु। सप्तशती चंडी रे
जहाँ भी डिले होची जहाँ भी विलंब होची मैरेज बहुत शीघ्र मैरेज आपंपर मैरेज पाई फ्यूचर पाई अन्य एक प्रतिकार करूँ राइट हैंड मिडिल फिंगर व्हाइट जिरकन पिंधतु आपंक मैरेज लाइफ पर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहा ब्लैक कलर को टोटाली एवॉइड करूँ रेड कलर येलो कलर व्हाइट कलर एवं सिल्वर कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस पाई आउ जड़े कलर जो सहित कथ हेलो आज्ञा कहतु क्या विषय जानवे नमस्कार अच्छा कहतु कौन जानवे जन्म तारीख जन्मस्थान कौन जाने चाहते फ्यूचर जॉब जॉब रे केते सैटिस्फैक्शन आपन को मिली परिबो से सब जिंस को नेकी आपन को मन भितरे अधिक उत्कंठा रहुची आपन को लग्न रहुची तुला लग्न वायु तत्व लग्न टेक्निकल लग्न आपन को एवं जस्टिस रो लग्न मध्य प्रत्येक समय अन्य को सहाय्य करबा सम्मान करबा परोपकारी नेचर आपन को भीतर रहुची प्रत्येक व्यक्ति को सहित न्याय करबा पई आपन सदा सर्वदा चेष्टा करुचंती सर्विस पई विशेष करी आपन को प्रश्न रहुची 10th हाउस को फोकस करबा 10th हाउस लॉर्ड चंद्र आप जेहतु 11th हाउस पोजिशन नौ सर्विस को लेकिन जहाँ भी डिजायर रखिंट प्रत्येक डिजायर आप फुलफिल हम किंतु कनसेट्रेसन अभाव रोचे बहुत समय कन्फ्यूज हो जाती प्रपरली डिसीजन नहीं पार ना लाइफ कौन करेंगे क्यों डिरेक्शन में आज जी प्रत्येक समय किसी ना कि कन्फ्यूजन हो जाऊर्चुनिटर फायदा नहीं पार ना अधिका एग्रेसीव स्वभाव रोचा कथा कथा रागि चिड़ी जाोध आसी जाकस्मिक भाव में कनसेट्रेसन प्रपरली करना वर्तमान समय नेगेटिव अच्छी आकस्मिक भाव में किसी ना कि घटना दुर्घटनार शिकार आपण वर्तमान समय नेगेटिव चलिए आपण कि समस्या आसी जा 28 मार्च 2022 पर्यंत अधिका नेगेटिव रोचे आपण हेल्थ्रे किसी ना कि घटना दुर्घटन किंतु जहाँ भी परिश्रम करी रखु बहुत भल सर्विस अपॉर्चुनिटी आपको मिल पार 2022 मे 25 मे 2022 आपको सर्विस अपॉर्चुनिटी मिल पार किंतु अधिका परिश्रम करने पड़ो आपको कहीं सर्विस काराग्रह शनि जेहतु 8th हाउस पोजिशन हो बृहस्पति बुध सहित कंजक्शन करुच्छे आपको जहाँ भी डिजायर अच्छी जहाँ भी स्वप्न अच्छी से हिसाब से आप सर्विस पारे कि सर्विस फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड मिडिल फिंगर गोटे व्हाइट सफायर पिंधतु आप सर्विस आपंकर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहा एवं बहुत समय मानसिक स्थिरता लग रही प्रॉपर्ली कंसंट्रेट कर पढ़ापढ़ी कंसंट्रेसन लेक कर राइट हैंड लिटिल फिंगर में गोटे ब्लू मून पिंधतु मानसिक स्थिरता प्रॉपर्ली डिसीजन फोकस बहुत पॉजिटिव रहा ब्लैक कलर को टोटाली एवॉइड करूँ रेड कलर को मध्य टोटाली एवॉइड करूँ ब्लू कलर व्हाइट कलर येलो कलर एवं सिल्वर कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस मिल पार आपण को आउ जड़े कलर जो सहित कथ हेलो सर नमस्कार नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे कहतु आप जन्म तारीख सेप्टेम्बर 1999 हाँ सर समय कौन तो सकाल 6:00 सर ठीक 6:00 हाँ सर सकाल 6:00 जन्मस्थान कौन तो जन्मस्थान सर बरमपुर कौन जाने आप चाहते हैं ती अपना अपना को विषय रे सर बेसी अभी मनो विचारी तो रोज सर बेसी टेंशन ताज़े तो अच्छा कंपटीटिव है ये आ रही है चम दी ची ये करी होना नहीं सर
ठीक अच्छे ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जानकारी चाहते विशेषकर कनसेट्रेसन आपन लेक कर फोकस कर अधिका मानसिक अस्थिरता आपको लगिक रोचे प्रपरली फोकस कर पढ़ापढ़ी में हेल्थ को लेकिन उतार चढ़ाव लगिक रोचे आपंकर लाइफ रे समय समय किसी ना कि हेल्थ इश्यू आप फेस कर विशेषकर मेन्टाली इलनेस आपंक अधिकार रोचे जेहेतु आप लग्न रोच कन्या लग्न लग्नाधिपति बुध लग्न रे पोजिशन रोच उच्च अच्छी आपंक जातक भद्र महापुरुष जो क्रिएट हो बहुत भल पढ़ापढ़ी करने कंपिटिशन को फेस करने कंपिटेटिव एग्जाम क्राक करने कि कनसेट्रेसन आप लेक कर बढ़ी पार ना मन भितर अधिका डर आसी जा कन्फिडेन्स आप लो हो वर्तमान समय आप स्ट्रगल कर कहीं राहु दशा वर्तमान समय चली अधिका लेजिनेस रोच थंडा रोच बॉडी पेन एवं पेट रिलेटेड समस्या आपको लगिक रोच एवं जहाँ भी पढ़ापढ़ी करूँ प्रॉपर्ली फोकस कर अधिका ओवर कॉन्फिडेंस मन भितर आसी जाउची एग्जामिनेशन ने जहाँ भी पढ़ुं ठीक भाव में लेखि पार ना कि लेक कर एग्जामिनेशन ने वर्तमान समय नेगेटिव अच्छे कि जहाँ भी पढ़ापढ़ी कर जारी रखु आप सक्सेस मिल पार 2023 मे 2023 आपको सक्सेस मिल पार कि अधिक परिश्रम कलापर अधिका हार्ड लेबर कलापर आपको सर्विस मिल पार सर्विस फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पान पिंधु मेमोरी ग्राफसिंग एवं एजुकेशन उत्तरोत्तर उन्नति करने बहुत भल र इंडिविजुअली आप बहुत भल अच्छा अनिष्ट अच्छा परोपकारी अच्छा अन्य को साहय करने सम्मान करने आपण मन भितर हो कि प्रत्येक समय किसी ना कि भूल डिसीजन नहीं जाऊँगी एग्रेसीव स्वभाव आपंकर पढ़ापढ़ी में फोकस करूँ ब्लाक कलर को टोटाली एवोड करूँ ह्वैट कलर येलो कलर एवं ग्रीन कलर को अधिक यूज करूँ प्रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ात आपको नाम कूतर एवं सर्व बाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसाद भविष्य तीन संचय ए मंत्र ने सतीष्टि दुभ आपको नाम खुद चढ़ात जहाँ भी स्ट्रगल करते हेल्थ को लेकिन जहाँ भी स्ट्रगल करते मेंटली कंसेंट्रेशन को लेकिन बहुत भल हो पार बहुत भल सक्सेस आपको मिल पार दर्शक बंधु आलोचना कर देखते आपंकर वैवाहिक दाम्पत्य सुख केमती कटिपार फ्यूचर केमी बहुत भल लाइफ पार्टनर आप पारे जहाँ भी स्वभाव रोच चरित्र रोच आपंकर स्वभाव को लेकिन आप पर नहीं किमती बहुत भल लाइफ पार्टनर आप पारे कौन अच्छी आप जतक जुग से देखुं आप स्वभाव को मेच कला भाया लग्न केमती रोच लाइफ पार्टनर लग्न केमती रोच के शुभ प्रभाव रोच लग्न में के अशुभ प्रभाव रोच लग्न में केमती विवाह पर डिसीजन ने देखु आप लग्न को लग्न को एवं कंपेटेबिलिटी करूँ के मैच हो पारे जदि मैच हो पारे तेल स्वभाव सहित स्वभाव मैच हो मेरेज पर बहुत भल स्वभाव आपंक रर रोत भल बैलेंस हो पार प्रत्येक परिस्थिति को आप उभय हैंडल करें आउ जड़े कल जो सहित कथ हेलो नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे कौन तो सामी का जन्म तारीख आओ थोड़े कौन तो छह जून उन्नीस चौस्तरी समय कौन तो जन्मस्थान कौन तो कौन जाने चाहूँ ती सामी का विषय आपनों ठीक अच्छे आज्ञा जहाँ भी प्रश्न रोज विशेषकर स्ट्रगल कर प्रत्येक दृष्टिकोण हेल्थ को लेकिन पारिवारिक अशांति विशेषकर फिनान्सी लॉस फिनान्सी आपको खराब रोच फिनान्सील कंडीशन आपको खराब रोच वर्तमान समय आप स्ट्रगल कर विशेषकर हेल्थ को लेकिन आकस्मिक भाव में किसी ना कि घटना दुर्घटना हो जाऊँ आप सहित एवं रिकवरी ठीक भाव में आपंपना अधिका स्ट्रगल कर समय समय किसी ना कि इश्यू आप सहित लगिक रोच वर्तमान समय देखा आप राहु दशा कंटिन्यू करुच्ची आपं लग्न रोच सिंह लग्न लग्नाधिपति सूर्य
जेतु टेन्थ हाउस केतु सहित कंजक्शन करुच्ची अधिका स्ट्रगल करुछंती शनि मध्य पूर्ण दृष्टि रहुच्छे लग्न उपरे एवं बुध सहित शनि कंजक्शन करुच्ची वर्तमान समय नेगेटिव अच्छी विशेषकर हेल्थ को नहीं किंतु आग को बहुत भल समय आसब किसी सुधार आसब आप हेल्थ रे जहाँ भी फिनान्सील कंडीशन को लेकिन आपड़ चाहूँ रिक्वायरमेंट आपको रिक्वायरमेंट जहाँ भी रोचे फुलफिल हो पार वर्तमान समय 6 जून 2022 पर किसी ना कि सुधार आसो जहाँ भी स्ट्रगल कर हेल्थ को लेकिन फिनान्सील कंडीशन को लेकिन बहुत भल ग्रोथ आपको मिल पार किंतु वर्तमान समय प्रत्येक सोमवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ातु आप नामकतरे सर्व बाधा प्रसमन्नम त्रैलोकेश अखिलेश्वरी एवमेव तोया कार्यम मस्मत बैरी विनाशनम ए मंत्र रे 27 दुब मध्य आपको नामगत चढ़ातु जहाँ भी स्ट्रगल करुँचे हेल्थ को लेकिन जहाँ भी स्ट्रगल फाइनेंशियल कंडीशन को लेकिन बहुत भल हो पार आपंपी ब्लैक कलर को टोटाली एवोड करूँ येलो कलर व्हाइट कलर ग्रीन कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से मिल पार आपको आउ जड़े कलर जोड़ सहित कथा हाँ हेलो हेलो नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे अच्छा कहतु भाई जन्म तारीख कहतु क्लीयरली कहतु ऑडिबल होनी आपस ऑडिबल होनी क्लीयरली कहतु एक नवेम्बर 1980 समय कहतु सकाळ 5:18 जन्मस्थान कहतु कौन जाना चाहूँ भाई विषय अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जानकारी चाहूँ आपंकर विवाह लाइफ को लेकिन वैवाहिक दाम्पत्य सुख को लेकिन आप जानकारी चाहूँ केमी फ्यूचर रहा आपंकर आपंकर लग्न रोच तुला लग्न जस्टिस लग्न व्यक्ति भाव में बहुत भल व्यक्ति विशेष आप बहुत भल अनेस्टी आप रोचे बहुत भल सॉफ्ट नेचर आप किंतु प्रत्येक समय प्रत्येक परिस्थित यूटिलाइजेशन शिकार आप लोक आपको यूज कर एवं प्रत्येक समय ठकामी आपड़ शिकार होती लाइफ रे प्रत्येक क्षेत्र में आज स्ट्रगल कर विशेषकर वैवाहिक दाम्पत्य सुख को लेकिन विवाह हाउस सेभेन्थ हाउस सेभेन्थ हाउस लॉर्ड मंगल जीतु थर्ड हाउस पोजिशन नौ मेरेज पार्टनर जी भी थी अधिका स्ट्रेट फॉरवर्ड एवं अधिका एग्रेसिव स्वभाव आपड़ डोमिनेशन शिकार होती किंतु सेकेंड मेरेज आपड़ इच्छा रखुंट जहाँ भी वर्तमान समय मध्य चली राहु बृहस्पति नेगेटिव समय कंटिन्यू करुच्छे हेल्थ पाई एवं आपंकर प्रत्येक जिनस विशेषकर फिनान्सील कंडीशन मेरेज लाइफ पाई अधिका स्ट्रगल होची आपनकु किंतु आग को बहुत भल समय आसीबो फिनान्सील कंडीशन रे सुधार आसी परिबो आपनकु पाई बहुत भल समय आसीबो 2022 जुलाई परे परे 8 जुलाई 2022 परे परे जहाँ भी आपन केस वर्तमान चलीची जहाँ भी समस्या क्रिएट होची धीरे धीरे सुधार आसी परिबो किंतु सेकेंड मेरेज पाई आपन प्रश्न रखुचंती सेकेंड मेरेज रो हाउस सेकेंड हाउस लॉर्ड मंगल जेहेतु धनु राशि पोजिशन रोच सेकेंड मेरेज आपंपर कि सेकेंड मेरेज सेनसीटिव रोच कहीं शुक्र मेरेज काराग्रह आप जतक नेगेटिव अच्छे किंतु सेकेंड मेरेज फास्ट मेरेज टू किसी ना कि बहुत भल रहा बृहस्पति प्रभाव रोच सेकेंड मेरेज हाउस से किसी ना कि बैलेंस आपे बहुत भल समय आस मेरेज सेकेंड मेरेज 2022 नवेम्बर पर 2 नवेम्बर 2022 पर आपंकर सेकेंड मेरेज हो पार किंतु वर्तमान स्ट्रगल वर्तमान समय रे गोटे रुद्राभिषेक आपड़ करूँ रुद्राभिषेक विशेषकर सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्व अर्थ साधिके शरण्यत्रम्बके गौरी नारायणी नमस्ते ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करूँ अष्टाध्याय जहाँ भी स्ट्रगल कर मेरेज लाइफ को इश्यू आसी आपण बहुत भल हो पार बहुत भल फ्यूचर मध्य कटी पार आपंकर फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड मिडिल फिंगर व्हाइट सफायर पिंधतु आपं मेरेज लाइफ आप फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहा आउ जड़े कलर जो सहित तो कथा हेलो नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे
ସେଠି ସାନ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 17 ଜାନୁଆରୀ 2010। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 9:44। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର କେମିତି ରହିବ? ପିଲାର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ପୃଥିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, ପରିଶ୍ରମୀ ଲଗ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନରେ ଯେହେତୁ ଶନିର ପୋଜିସନ ରହୁଛି, ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ଅଧିକା ଲେଜି ସ୍ୱଭାବର ପିଲା ରହୁଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରୁନାହିଁ, କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ ଲେକ୍ କରୁଛି, ଫିକିଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି ପିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁ ଦଶା ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାହୁ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 4th ହାଉସ୍ରେ, ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଲେକ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଅଧିକା ଓଭର କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ମନ ଭିତରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହା ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କେଚ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରୁନାହିଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନରେ, ଏବଂ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ାପ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ପିଲାର ରାଶି ରହୁଛି ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବଡି ପେନ୍, ଲେଜିନେସ୍ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ୟା ପିଲାକୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଧିକା ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ବଡି ପେନ୍ ଅଧିକା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ପିଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବ, MBA କରିବ, ବିଶେଷ କରି ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ, ମାର୍କେଟିଂ ଫିନାନ୍ସରେ MBA କରିପାରିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବଂ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ପିଲାକୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବିବାହକୁ ନେଇକି, କାହିଁକିନା ବିବାହ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି, ମନମୁଟାବ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ବିବାହ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚିଂ ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଧିକା ମ୍ୟାଚିଂ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚିଂରେ 36 ରୁ 36 ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ ବିଶେଷ କରି ଲଗ୍ନ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍ 7th ହାଉସ୍ 8th ହାଉସ୍ 12th ହାଉସ୍ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କେତେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛନ୍ତି ହାଉସ୍ମାନଙ୍କରେ। ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ପରିବାର ରହିବ, ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, କେତେ ଖୁସି ରହିବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ, କମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚିଂ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ ସହିତ 4th ହାଉସ୍ରେ ମ୍ୟାଚିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ କେତେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହାଉସ୍ 4th ହାଉସ୍, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଜାଗା 4th ହାଉସ୍, ଯଦି 4th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 4th ହାଉସ୍ରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି ହୋଇପାରିବ, ମନ ସହିତ ମନର ମ୍ୟାଚିଂ ହୋଇପାରିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଉଭୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 4th ହାଉସ୍ରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହୁଛି। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶୁକ୍ର ଯଦି 4th ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଛି, ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାରାଗ୍ରହ, ଭୋଗ ବିଳାସର କାରାଗ୍ରହ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କାରାଗ୍ରହ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ,
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯଦି ପାପଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ପୁଅମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଇଛି। ଶୁକ୍ର କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଡେଡିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଧିକା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଡିଭୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଶୁକ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ଶନିର ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅଧିକା ରହିବ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହିବ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ବୃଷ ତୁଳା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ସୁଖ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ରର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, କେମିତି କରିବେ ପ୍ରତିକାର, କେମିତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।